आज अडोबी फोटोशॉप 2020 की क्लास नंबर 3 है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे इमेज इंपोर्ट करना या तस्वीरें इंपोर्ट करना। तो ये मैंने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है, इसमें तो एक क्रिएट न्यू नहीं करेंगे हम, कर देंगे ओपन, सिंपल तरीका ओपन करेंगे। अच्छा, ओपन के ओपन पे हम क्लिक करते हैं और ओपन पे क्लिक करने के बाद जी मैं आ जाता हूँ जी इधर, किधर आते हैं जी हम, यहाँ से एक इमेज यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और ये कुछ इमेजेस इंपोर्ट कर ली हैं। तो ये मैंने मल्टीपल इमेजेस इंपोर्ट किए हैं, ये काफी सारे हो गए हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है, मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ जी। मैंने फिलहाल एक इमेज इम्पोर्ट किया है, इसको मैंने क्लिक की मदद से पकड़ा और इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, तो ये इमेज इम्पोर्ट हो चुका है। अच्छा, एक बात और कि अगर मैंने यहाँ से अब दूसरा इमेज भी इंपोर्ट करना है तो दूसरा इमेज मैं अगर ला के इसी के ऊपर रख दूँ तो ये देखिए आपके कर्सर का जो निशान है, माउस का निशान, माउस पॉइंटर, ये प्लस का निशान बना रहा है। अगर मैं इसको इधर ही छोड़ देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी डबल क्लिक, तो ये देखिए ये इसी के ऊपर हो चुका है। अच्छा, ये क्या है, ये लेयर्स बनती हैं, ये बाद में बताऊँगा। और मैं अगर यही इमेज इधर यहाँ पर जो है ये वाला हिस्सा है इधर करता हूँ तो ये अलग आएगा, यानी ये हमारा इमेज अलग आया है, ये इमेज अलग आया है। और अगर यहाँ से मैं एक दो तस्वीरें और इंपोर्ट कर लेता हूँ, बल्कि मैं इस दफा 3 तस्वीरें इंपोर्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे एक ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये देखिए ये तकरीबन हमारे 5 इमेजेस आ चुके हैं। अच्छा, हर इमेज जो है वो अलग अलग शो हो रहा है, यानी इकट्ठा शो नहीं हो रहा। और अगर आप यहाँ पे अब देखें, यहाँ पर एक जो ये वाला निशान बना हुआ है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो इमेजेस और भी दिखाएगा, यानी हम यहाँ से भी जाके इमेजेस देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम मल्टीपल इमेजेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने आना है विंडोज़ में, विंडोज़ में आने के बाद हमने इसको टू अप हॉरिजेंटल। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है, यह देखिए अब ये मुझे दो इमेजेस दिखा रहा है, यानी एक ही विंडो में, एक ही इंटरफेस में ये दो इमेजेस दिखा रहा है। अगर मैं इसको आता हूँ जी और ये हॉरिजेंटल दिखा रहा है, अगर मैं इसको वर्टिकल करता हूँ तो वह इस तरीके के साथ दिखा रहा है। और इसमें अगर हम आते हैं इसकी थ्री अप हॉरिजेंटल तो यह मुझे 3 इमेजेस दिखा रहा है, यानी मैंने इमेजेस तो काफ़ी सारे इंपोर्ट किए हैं लेकिन मुझे अभी फिलहाल ये 3 इमेजेस दिखा रहा है। और इसमें हम देखते हैं 4, ये हमें 4 दिखा रहा है, 4 मुख्तलिफ इमेजेस दिखा रहा है। और हम आते हैं जी अगर हम 6 मेरे पास नहीं चल रहा, और ये कंसोलेटेड ऑल द टैब, तो इसको हम करते हैं तो कंसोलेटेड जो पहले बाय डिफॉल्ट था उसी तरीके के साथ हो चुका है। और यह तरीका था जी इमेज इंपोर्ट करने का। और अगली क्लास में हम सीखेंगे, बल्कि हमने देखना है जी लेयर पैनल्स का, ये वाला जो अहम टैब है और लेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है, और इंपॉर्टेंट टैब कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आगे हम अगली क्लास में वो देखेंगे इसके मुताबिक।